नमस्कार, मैं विक्की खान। नौकरी हमारी ख्वाहिश नहीं, हमारी ज़रूरत। ख्वाहिशों को दबाया जा सकता है लेकिन ज़रूरतों को नहीं। ज़िंदगी के सफ़र में, ज़िंदगी को जीने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और जिसके लिए हम एक अदद नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। आज उसी क्रम में लोक सेवा आयोग आए थे नए विज्ञापन को लेकर, कि LTGIC का नए विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी करे, जो अवशेषता सूची का जो सत्यापन हो चुका है उसका फाइल जो है शिक्षा निदेशालय को भेजा जाए, और जो तृतीय सूची जो अवशेषता में जिन विषयों की बची है उनकी तृतीय सूची लोक सेवा आयोग जारी करे। आज उसी क्रम में हम लोग लोक सेवा आयोग पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराए हैं, और आप देख सकते हैं पीछे ये तमाम बेरोजगारों की एक फहरिस्त है, लाइन लगी हुई है। हमें फख्र है इस बात का कि उत्तर प्रदेश में BEd बेरोजगार लगभग 20 लाख लोग हैं। अभी अभी जो है, जैसे हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में तबाही आई थी, इंसानी तबाही, उसी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जो है BEd बेरोजगारों की ज़िंदगी में भी तबाही ला दिया। फिर भी हम लोग अपने अपने घरों से नहीं निकले, आज हम प्राइमरी से बाहर हो चुके हैं, और हमारे पास सिर्फ एक विकल्प है कि राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक हो जाए या अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक हो जाए। इस क्रम में इन दोनों जगहों से विज्ञापन का आना, सही समय पर परीक्षा का होना और परिणाम घोषित होना, तब जाकर हमें एक अदद नौकरी मिल सकती है। नौकरी वास्तव में हमारी ज़रूरत है और हमको उसकी सख्त ज़रूरत है। इसके लिए हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं, इसलिए कि हमने तमाम अपनी ज़िंदगी के साल उन डिग्रियों को हासिल करने में लगाया है, जिसकी वजह से आज हम योग्यता धारित करते हैं कि हम राजकीय इंटर कॉलेजों में या शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अपने आवेदन को हम कर सकते हैं और एक नौकरी पा सकते हैं। उसी क्रम में आज जो है एक ज्ञापन अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग यह थी कि LTGIC का नया विज्ञापन एवं GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी कब करेगा। जारी इसलिए करना चाहिए था कि इससे पहले जितनी मुलाकात हम लोगों ने की है, तो लोक सेवा आयोग का कहना था कि समकक्ष अर्हता विवाद के कारण जो है हम विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं। पिछले आपको पता होगा मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान साथियों कि दिनांक 19 जुलाई को डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, जो अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन है, उनका एक निर्देश पत्र संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया, उसमें से लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय को भी दिया गया था, जिसमें कि यह निर्देश पत्र जो है था समकक्ष अर्हता के विवाद के संबंध में कि उसका समाधान कर दिया गया है। आज जो वार्ता हुई है लोक सेवा आयोग के अंदर, विनोद कुमार गौड़ जी जो लोक सेवा आयोग के मीडिया प्रभारी हैं, उनसे आज बात हुई। आज PCSA का इंटरव्यू चल रहा था, इसलिए सीधे रूबरू मुलाकात नहीं हो सकी है, लेकिन अगली मुलाकात उनसे रूबरू करेंगे। हमने आगाज कर दिया है, नए विज्ञापन को लेकर आगाज कर दिया है। हम विज्ञापन हर हाल में लेंगे, हर कीमत पर लेंगे, क्योंकि राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षकों की भर्ती लोक सेवा आयोग को करनी है, और लोक सेवा आयोग पिछले 5.5 साल से गुमराह कर रहा है। पिछली वैकेंसी 15 मार्च 2018 को आई थी, और अब 15 मार्च 2023 क्रॉस होने के बाद आज 28 अगस्त 2023 में हम मौजूद हैं। लगभग 5.5 साल हो गया, और इन 5.5 सालों में अगर हम राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन मांग रहे हैं, तो इसमें हम गुनाह क्या कर रहे हैं। इसी क्रम में जो है आज जो है बात हुई है, विनोद कुमार गौड़ जी ने बताया है, जो पहला मुद्दा हमारा था कि समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान शासन द्वारा कर दिया गया है, इसलिए LTGIC एवं GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन अविलंब जारी किया जाना चाहिए। इस पर उन्होंने स्पष्ट बताया है कि देखिए, जो अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी जी का जो निर्देश पत्र है, उसमें स्नातक उपाधि से संबंधित समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान किया गया, ये उनका कहना था, जबकि मैं संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ। मैं मानता हूं कि समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान पूर्ण रूप से कर दिया गया है। उनका यह कहना था कि उसी क्रम में जो पैरा तीन का उपखंड 1 में यह दिया गया कि ऐसे प्रकरणों में
जहाँ तकनीकी प्रकृति के पद हैं, किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उनके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा या उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहाँ विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। मेरा यह मानना है कि पहली बात तो एक ये तकनीकी प्रकृति का पद बिल्कुल नहीं है। शिक्षक भर्ती जो होती है या जो शिक्षक होता है वो तकनीकी प्रकृति का पद नहीं होता, सामान्य प्रकृति का पद होता है। उसमें सामान्य स्तर पे सामान्य वो स्नातक उपाधि होती है और दूसरी जो बीएड की उपाधि है वो तकनीकी उपाधि नहीं है, क्योंकि बीएड एक प्रशिक्षण की उपाधि है। यह मानक रखा गया है कि जिसको शिक्षक बनना है वह व्यक्ति प्रशिक्षण लिया हुआ हो, ऐसी हमारी सोच है और यही सच भी है। लेकिन आयोग जो है अपने बातों के जाल में घुमाने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 20 लाख बीएड बेरोजगारों के सपनों को तोड़ने की साजिश में शामिल है। उस साजिश को हम बेनकाब करेंगे और उस साजिश को हम लोग कुचलने की कोशिश करेंगे। और हम यह चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार सड़कों पर आए, जब जब बुलाया जाए आप आइए सड़कों पे, ताकि हम अपनी नौकरी की जरूरत को पूरी कर सकें, न कि ख्वाहिश को हमें पूरी करनी है। हम अपनी नौकरी की जरूरत को पूरी तभी करेंगे जब हर एक व्यक्ति अपने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क पर आएगा। हम फिर अगला समय निर्धारित करेंगे, उस समय में आपको आना होगा, आपसे मैं गुजारिश करूंगा। हमारी जो दूसरी मांग थी उस पर भी एक बार जो है जानकारी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि LTGIC 2018 की अवशेष सदस्यता सूची, जो कि पता है आप लोगों के प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अथक प्रयासों से यह संभव हो पाई थी, उसका अभिलेख सत्यापन हो चुका है। उस अभिलेख सत्यापन के बाद उनकी फाइलों को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को भेजा जाना है, तभी नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आज जो है मीडिया प्रभारी विनोद कुमार गौड़ जी का यह कहना था कि इस पर कार्य द्रुत गति से हो रही है और लगभग हम 15 दिनों के अंदर अंदर जो अवशेष सदस्यता सूची में चयनित अभ्यर्थी जो समस्त हैं उनकी सारी फाइलों को 15 दिनों के अंदर शिक्षा निदेशालय प्रयागराज हम भेज देंगे, ऐसा उनका आश्वासन मिला है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए कि आप लोग की फाइलें 15 दिनों के अंदर अंदर शिक्षा निदेशालय प्रयागराज जाएगी। उसके बाद फिर एक नया संघर्ष होगा ताकि शिक्षा निदेशालय को भी दबाव में लेकर जल्द से जल्द आपका पोर्टल खुलवाएं। पोर्टल खुलवाने के बाद आपको नियुक्ति पत्र जो है उपलब्ध कराया जा सके। इसमें आपको हमारा कदम से कदम मिलाकर साथ देना पड़ेगा। अपने अपने घरों से निकलिएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो है ऐसे हमारे भाई हैं जिनका अवशेष सत्ता सूची में भी चयन हुआ है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पहले आए हैं, पहली बार आए हैं, इसलिए कि उनका 2300 रुपया प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। लगभग 70,000 रुपए की नौकरी, 500 के 140 नोट बहुत बड़ी रकम होती है एक बेरोजगार के लिए। वो पाने के लिए आज बहुत लोग आए हैं और साथ देने का की कसमें और वायदे उन्होंने किया है। इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ से फाइल भिजवाएंगे शिक्षा निदेशालय और वहाँ पर भी जो है लगातार अपने ज्ञापन से धरना प्रदर्शन सत्याग्रह गांधी जी के मार्गों पर चलते हुए हम इस कार्य को अंजाम तक देंगे और नियुक्ति पत्र को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा जल्द से जल्द। तीसरी जो हमारी मांग थी कि LTGIC 2018 की जो तीसरी सूची निकाली जानी है वो इसलिए निकाली जानी है कि 15 विषयों की परीक्षा 29 जुलाई 2018 में लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई गई थी, उसमें से 9 विषयों की तीसरी सूची लोक सेवा आयोग ने जारी की है। अभी भी 5 विषयों की तीसरी सूची जारी की जानी जरूरी है, उसमें हिंदी, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, कला जैसे तमाम विषय हैं। इस पर उनका आश्वासन था कि अति गोपन विभाग में इसका कार्य चल रहा है। हम दूसरी सूची का फाइल भेजने के उपरांत तीसरी सूची भी इन विषयों की निकालेंगे जिनका अभी तीसरी सूची बाकी है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि लोक सेवा आयोग बचे हुए विषयों की तीसरी सूची निश्चित
जारी करेगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा इसके लिए लगातार प्रयास करेगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल जो है निश्चिंत रहिए। लेकिन निश्चिंतता इतनी मत रखिए कि जब आपको बुलाया जाए आयोग पर, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, आपकी हक की लड़ाई के लिए, अगर हम लड़ने के लिए सड़कों पर आते हैं, गांधीवादी तरीके से आते हैं, जो कि हमारा अधिकार है, संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। और आपको पता है मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान भाइयों बहनों की हमने तमाम जो है सफलताएं अर्जित की हैं, लगातार हम सफल हो रहे हैं अपने इन्हीं सिद्धांतों की वजह से कम आप लोग जब जब बुलाया जाए तो अपनी मौजूदगी दर्ज कराया करिए, क्योंकि आपके मौजूद रहने से, आपकी मौजूदगी ही हमारी ताकत है, और उसी की बदौलत हम आंखों में आंखें डालकर लोक सेवा आयोग से बात कर लेते हैं। मैं आप लोगों से फिर एक बार कहना चाहूंगा कि हमारे तीन मुद्दों में लगभग जो है अंतिम स्थिति में है, दो तो बिल्कुल समापन की ओर है। जो नया विज्ञापन की जहां तक बात है, फिर हमने जो है फैसला कर लिया आज ही अभी और तुरंत इसी लोक सेवा आयोग के सामने कि हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन हम इसी लोक सेवा आयोग पर 11 बजे फिर आएंगे, एक बेहतरीन धरना प्रदर्शन करेंगे नए विज्ञापन को लेकर, क्योंकि नया विज्ञापन हमारा जो है अधिकार है। लगभग 6000 सीटें लोक सेवा आयोग को प्राप्त है अधियाचन, 2000 सीटें निदेशालय में पड़ी हुई हैं, निदेशालय से ये मंगा के समकक्ष अर्हता विवाद के झुंझुने में उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को उलझाने की कोशिश न करे लोक सेवा आयोग, और अति शीघ्र नया विज्ञापन जारी करे। इसके लिए आपको कमर कसनी पड़ेगी, थोड़ा हमारा साथ देना पड़ेगा।